आज हम बनाने वाले हैं बिना ओवन के, बिना अंडे के सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक सिर्फ चार चीज़ों से। चलिए आइए देखते हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का जो केक बनाना जा रहे हैं वो बिल्कुल घर की चीज़ों से हम बनाएंगे, ना इसमें अंडा डलेगा, ना कंडेंस मिल्क, ना दही। सुपर स्पॉन्जी केक बनाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं 1 कप मैदा, 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर, 1 कप चीनी और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। मैंने एक बार उबला हुआ 1/2 लीटर दूध लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए और उबालेंगे जिससे दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और दूध का 1/4 पार्ट कम हो जाएगा। और इसमें हम 1 कप चीनी ऐड कर लेंगे जिससे हमारा केक बनाने का लिक्विड पार्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे चीनी ऐड करने से चीनी अपना खुद का पानी भी छोड़ती है, इसलिए दूध को हम और 5 मिनट उबलने देंगे। ये केक हम विदाउट ओवन बनाना सीखने वाले। इसके लिए मैंने बड़े से पतीला लेके उसके अंदर नमक और स्टैंड रख के हम इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। जब तक ये प्रीहीट हो रहा है तब तक हम केक का बैटर रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा, 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये केक आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन इस बार हम मैदे से कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। कस्टर्ड पाउडर के इस्तेमाल से हमारे केक में फ्लेवर भी आएगा और कलर भी आएगा। अगर आप किसी दूसरे फ्लेवर का केक चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसका एसेंस यूज कर सकते, लेकिन अब मैंने यहाँ पे दूसरा कोई एसेंस यूज नहीं किया है। बैटर में मैंने 2 चम्मच तेल मिक्स किया है। तेल के बदले आप बटर भी यूज कर सकते हैं। अब हम दूध को धीरे धीरे ऐड करते हुए बैटर को रेडी करते हैं। बैटर में कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए हम बैटर को अच्छे से घोल लेंगे। जैसे आप देख रहे हो, मैंने दूध को धीरे धीरे ऐड करते हुए हमारा मिक्सचर रेडी कर लिया है। मैंने यहाँ पे बाउल में टूटी फ्रूटी ली है, उसमें हम थोड़ा मैदा ऐड कर लेंगे और अच्छे से घोल लेंगे। इससे क्या होगा, टूटी फ्रूटी हमको केक में हर जगह मिलेगी। हमारा पतीला बेकिंग के लिए प्री हीट हो चुका है। अब हम मिक्सचर में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके अच्छे से घोल लेंगे। यहाँ पे मैंने बेकिंग के लिए स्टील का पतीला लिया है। अब हम इसमें पहले ऑयल से ग्रीस करके लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और उसे अच्छे से कवर करके लेंगे। उससे क्या होगा, हमको बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बैटर को बेकिंग के बर्तन में ट्रांसफ़र करके लेंगे। जैसे आप देख रहे हो, मैंने पहले बैटर डाला, उसके बाद हम थोड़ा से टूटी फ्रूटी डालेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा बैटर डालेंगे और फिर टूटी फ्रूटी डालेंगे। इससे क्या होगा, टूटी फ्रूटी आपको हर जगह मिलेगी। अगर आप पहले से ही मिक्सचर में टूटी फ्रूटी डाल के रखेंगे, इससे क्या होगा, बेकिंग के टाइम टूटी फ्रूटी एक ही जगह पे आ जाती है, इसलिए हम ऐसे डालेंगे। अब हमारा केक बेकिंग के लिए रेडी है। अब हम केक को लो फ्लेम पे 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। करीब करीब 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। जैसे आप देख रहे हो, हमारा केक फूल के ऊपर आ चुका है। अब हम टॉप पे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे, इससे क्या होगा, हमारा केक दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखेगा। 40 मिनट के बाद अब हम चेक करते हैं। दिखने में तो हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है ऐसा दिख रहा है, फिर भी हम चाकू की मदद से चेक करके लेंगे। हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बेक हुआ है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। केवल 4 ही चीज़ों से हमने इतना सुपर सॉफ्ट केक बनाया है, बिना एसेंस के, वो भी
घर पे आप ज़रूर ये केक ट्राई कीजिए। अब हम केक को उल्टा कर लेंगे। उसके नीचे जो मैदा लगा है, चाकू की मदद से उसे हल्के हाथ से निकाल लेंगे। हमारा ब्रिटानिया स्टाइल टी टाइम सुपर सॉफ्ट केक खाने के लिए अब रेडी है।